हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेल करके कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे इन्होंने सभी पूछे कि सर, आप जब तैयारी कर रहे थे, जब आप एसएससी क्वालिफाई किए हैं, तो उसमें कौन कौन से बुक आप फॉलो कर रहे थे, यानी कि वो कौन कौन सा बुक था, जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए कौन से बुक फॉलो किए, है ना, स्टैटिक जीके के लिए कौन सा बुक फॉलो किया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए, साइंस के लिए, है ना, करेंट अफेयर्स के लिए कौन कौन सा बुक आप पढ़े, मैथ के लिए क्या बना, ये सारा कुछ। तो हम सोचे कि हम अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करें, यानी कि जो भी बच्चे एसएससी एमटीएस 2022 देने वाले हैं उनके लिए हम एवरीथिंग सब कुछ आपके साथ शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस कि किस तरह से आप एसएससी एमटीएस क्वालिफाई नहीं बस कि टॉप कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। उसके लिए हम आपको एक स्टडी प्लान के ऊपर एक स्पेशल से वीडियो भी बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा बुक फॉलो करें, किसके लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में कैसे मैक्सिमम नंबर लाएं, देखिए जब हम सिलेबस आपको जनरल अवेयरनेस के बता रहे थे उसमें आपको हम बताए थे कि जनरल अवेयरनेस का दो पार्ट होता है, एक स्टैटिक्स और एक करेंट। तो हम लोग ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आप किस में ला सकते हैं, स्टैटिक्स में, क्योंकि स्टैटिक्स फिक्स है, उसको आप फोड़ सकते हैं, बेहतरीन फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि स्टैटिक्स जीके में अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 15 क्वेश्चन, तो 15 आउट ऑफ 15 आप ला सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से एकदम इसको फोड़ सकते हैं, कहीं इसको कोई एकदम पूरा एकदम जितना जान लगा सकते हैं लगा दीजिए। तो करेंट अफेयर्स में देखिए आपके हाथ में नहीं है, लेट सपोज कि करेंट अफेयर्स पूरा आप 6 महीना का पढ़ के गए, हो सके वो 1 साल का पूछ दिया, उसमें भी आप पूरा 1 साल के लिए पूछ ले पढ़ के गए, उसमें भी वो क्या पूछेगा, उसकी प्रायोरिटी बहुत कम है, है ना। करेंट अफेयर्स एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपके ऊपर नसीब पर डिपेंड करता है कि जो आप पढ़ के गए वही आ गया, है ना। करेंट अफेयर्स बहुत ही वास्ट है, उसको आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, बट स्टैटिक्स जीके आपका फिक्स है, वही हिस्ट्री से वही पूछेगा, सेम चैप्टर, सेम कॉन्सेप्ट, सारा कुछ है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, देखिए जब स्टैटिक्स जीके की बात आती है तो उसके लिए आपको एक बुक जो हम फॉलो किए थे, देखिए आप क्या कर सकते हैं, एक जनरल अवेयरनेस अरिहंत का एक बुक आती है, ये बुक आपके सामने है, मनोहर पांडे जी करके इन्होंने लिखे हैं, बहुत ही छोटे से बुक है, देखिए एकदम पतला से छोटा सा, बहुत ही एकदम मिनिमाइज वे में दिया हुआ है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है और इतना बेहतरीन ढंग से दिया हुआ है कि एकदम मज़ा आ गया था पढ़ के। ये मेरा इंग्लिश मीडियम था इसलिए ये बुक इंग्लिश में है, आप लोग इसको हिंदी में भी परचेज कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हिस्ट्री की बात करें तो मौर्य एम्पायर सोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, फिर हमारा चंद्रगुप्त इतनी अच्छी तरीके से दिया हुआ है, हिस्ट्री एज ऑफ गुप्ता, है ना। हिस्ट्री के बाद आपका देखिए पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स भी आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपका टीपू सुल्तान, सारा कुछ दिया हुआ है, हिस्ट्री पूरा मॉडर्न। फिर यहाँ पे देखिए आपका ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे तरीके से ज्योग्राफी दिया हुआ, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी भी दिया हुआ है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में टू द पॉइंट दिया है, इतनी अच्छी बुक मुझे ये लगी ना। लूसेंट में थोड़ा सा, लूसेंट भी दोनों में कॉन्सेप्ट सेम ही है, सेम चीज़ें दोनों में है, बट ये थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसमें आप बोर नहीं होते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। जब हम तैयारी कर रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे, तो ये लूसेंट से ज़्यादा बेनिफिट हमको, ये तो 2022 नया एडिशन आप लोग के लिए खरीद के लाए हैं हम, जब हम तैयारी कर रहे थे उसमें मेरा 2021 था, है ना। तो जब लूसेंट से ज़्यादा मुझे ये पढ़ने में रोचक लगा, ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें लगा, इसमें बोर हम नहीं होते थे। इंडियन पॉलिटिक्स देखिए कितना अच्छा से दिया हुआ है ना, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा कुछ तो हम आपको कराएंगे भी, क्लास में भी कराएंगे, बट आपको एक रेफरेंस बुक के लिए आपको हम बता चुके हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए साइंस भी, साइंस के लिए तो एक हम अपना साइंस इससे हम पढ़े थे बट हम अपना एक नोट्स बनाए थे, वो नोट्स से ही हम आपको पढ़ाएंगे साइंस का। देखिए ये सारा कुछ देख रहे हैं, साइंस से क्या है कि हम एक नोट्स बनाए थे, वो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट रहा था, इसे कुछ कुछ पॉइंट हम देखे थे, ठीक है। ये रहा बायोलॉजी सारा कुछ, तो यानी कि स्टैटिक्स जीके के लिए ये बुक आपको बेहतरीन है, है ना। ये आपका जनरल नॉलेज मनोहर पांडे, अगर इसको आप नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो इसके जगह पे आप दूसरा बुक फॉलो कर सकते हैं, वो आप लोग जानते हैं क्या है, लूसेंट, सभी जानते हैं वो बुक का नाम क्या है, लूसेंट। तो लूसेंट आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, लूसेंट में भी देखिए सारा कुछ है। ये मेरा पुराना लूसेंट है जब हम पढ़ते थे, ये काफ़ी पुराना एडिशन है, आई होप कि शायद आपको हम दिखा पाएँ एडिशन, कहाँ लिखा रहता है एडिशन, मिल नहीं रहा अभी,
ये देखिए 2019 में हम कर देते हैं, ये यहाँ पे देखिए ये पुराना एडिशन है, आप लोग अगर इसको लीजिएगा तो नया एडिशन ले लीजिएगा, 9th एडिशन ये 2019 का, ठीक है। तो इसमें भी देखिए कितनी बार इसको हम पढ़े हुए हैं, ना जाने कितनी बार पढ़े होंगे, इसका तो बता ही नहीं सकते हैं, ब्याह ही नहीं कर सकते कि कितना बार इसको पढ़े थे। देख रहे मराठा साम्राज्य, मराठा स्टेट, ये सारा कुछ हिस्ट्री यहाँ पे आपका है, शेरशाह सूरी, उसके बाद आप यहाँ पे ज्योग्राफी आ गए, ज्योग्राफी के बाद इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इससे बेहतर दिया हुआ है हमको मनोहर पांडे में, इंजन इकोनॉमी भी आपको लगाता है, ये आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ये सारा कुछ। तो आप इसको भी आप यहाँ पे देखिए बायो आ गया, ये सारा कुछ है ना, कौन कौन सा बीमारी किससे क्या होता है, ये सारा कुछ बायो आ गया। तो या तो आप दोनों में से कोई एक बुक फॉलो करिए, या तो आप लूसेंट फॉलो करिए है ना, या आप मनोहर पार्के फॉलो करिए, ठीक है। हम दोनों किए थे, हम अपना का जो टू बी हॉनेस्ट बताएं तो हम दोनों बुक फॉलो किए थे, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक मनोहर पार्के से हमको बहुत ज़्यादा अच्छा, पहले तो हम लूसेंट 8-10 बार पढ़े होंगे है ना, बता नहीं सकते कितना बार, हमको याद भी नहीं कितना बार पढ़े, लेकिन आज काफ़ी बार पढ़े हैं। उसके बाद फिर जब हम मनोहर पार्के गए ये लिए थे तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इतना मतलब कि इसका लैंग्वेज भी लूसेंट से ज़्यादा आसान, इसका लैंग्वेज एकदम आसान भाषा में दिया हुआ है, बहुत ही मज़ा आ गया था। हालांकि दोनों बुक का कॉन्सेप्ट सेम है, लाइन टू लाइन दोनों बुक में सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, कंटेंट दोनों का सेम है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस में पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है, किसका लैंग्वेज अच्छा लग रहा है किसका लैंग्वेज अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों बुक का पूरा ए टू जेड कॉन्सेप्ट है, किसी में ना ज़्यादा है ना किसी में कम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक्स के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, और फिर साइंस में आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके अलावा तो हम आपको क्लासेस लेंगे ही, बस हम आपको एक सोर्स बता दें क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे। अब रहे करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स आप क्या पढ़ सकते हैं, तो करेंट अफेयर्स के लिए जो हम फॉलो किए थे वो एक साल का एसपीडी का एक बुक आता है वार्षिक, ये 2022 का लेटेस्ट है, खरीद के लाए हम जब तक, हर साल यानी कि एनुअली आपका आता है, 2021 का 2020 का हर साल आता है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपका करेंट अफेयर्स नहीं पूछ सकता है, ठीक है। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है माय डियर, ए टू जेड, ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। अगर करेंट अफेयर्स इतना आप कर लेते हैं एसपीडी का, बहुत सारे मैगजीन आते हैं, बहुत सारे मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम जो पर्सनली फॉलो किए थे वो हम एसपीडी का ही किए थे, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा मेरे लिए, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन लर्न के मैक्सिमम मिल ही जाता है, 60-70% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, कहीं आपको दिक्कत कहीं और मटेरियल के ऊपर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, यानी कि 25 नंबर के लिए मेरा कौन कौन से बुक था, तो पहला बुक मेरा था लूसेंट, सेकेंड हमारा था ये जनरल नॉलेज मनोहर पार्के, और थर्ड हमारा था ये एसपीडी। ये तीन बुक है जिसको हम फॉलो किए थे, किसके लिए तीन बुक हम फॉलो किए थे, जनरल अवेयरनेस एसएससी के एग्जाम के लिए, ठीक है, ये एसएससी के एग्जाम के लिए तीन बुक है जिसको हम लोग फॉलो किए थे, ठीक है। तो ये तीन बुक को पढ़ के हम लोग, मेरा जो सिलेक्शन हुआ था एसएससी में, तो इसीलिए हम आप लोग पूछ रहे थे, तो हम आपको बताने की कोशिश किए कि वो कौन कौन सा बुक है जिसे आप फॉलो करके आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में टू भी आराम से 20-21 नंबर आपका आ सकता है, मेरा 22.4 था है ना, 22.4 नंबर था, हम अपना एक बार मार्क्स भी शेयर कर चुके हैं, करेंगे आपसे फिर से आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से आप इसका जनरल अवेयरनेस में अगर इतना आप कर लेते हैं तो जनरल अवेयरनेस में 20+ मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे इंग्लिश का, तो इंग्लिश का भी हम अपना नोट्स आपसे शेयर करेंगे, और कौन सा बुक हम फॉलो किए थे वो आपसे हम शेयर करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।